फिलहाल चीन, जापान और कोरिया दुनिया के ये तीन देश ही ऐसे हैं जहां पर मैग्लेव ट्रेन चलाई जाती है। मैग्लेव ट्रेन का रख रखाव और उसका मेंटेनेंस बाकी ट्रेनों की तुलना में काफी ज्यादा कम होता है और इसकी स्पीड भी बुलेट ट्रेन से कहीं ज्यादा अधिक होती है। एक तरह से कहें तो स्पीड के मामले में यह ट्रेन हवाई जहाज को भी फेल करती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस ट्रेन का मेंटेनेंस इतना ज्यादा कम है और इसकी स्पीड भी बुलेट ट्रेन से ज्यादा है तो फिर भारत को बुलेट ट्रेन छोड़कर मैग्लेव ट्रेन ही लानी चाहिए। फरवरी 2019 में राजा रमन्ना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 600 किमी पर आवर के स्पीड से चलने वाले मैग्लो सिस्टम पर आधारित एक ट्रेन का मॉडल पेश किया था। फिर इसके अगले ही साल यानी कि सितंबर 2020 में भारत की सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भारत में मैग्लो ट्रेन चलाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस रैपिड एजी के साथ एक समझौता किया, क्योंकि स्विस रैपिड एजी के पास दुनिया की सबसे हाईटेक मैग्लो ट्रेन बनाने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है। खैर, भारत बुलेट और मैग्लो इन दोनों पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से बुलेट ट्रेन को ज्यादा जो दी जा रही है। लेकिन अब एक खबर निकल कर आई है जो आपको खुश कर देगी, हैरान कर देगी, लेकिन इसके बाद वाली खबर आपको परेशान कर देगी। इस समय नेपाल की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा आबादी तो हर वक्त हमारे यहाँ ट्रेन में रहती है। भारत में इस समय वंदे भारत ट्रेन से लेकर बुलेट ट्रेन और मैग्लो ट्रेन के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। कारण यह है कि इन ट्रेनों को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्सुकता है। इस बात को मैंने पर्सनली भी नोटिस किया है कि जब मैं ट्रेन के ऊपर कोई वीडियो बनाता हूँ तो दूसरे वीडियो के मुकाबले ट्रेन वाले वीडियो पर ज्यादा व्यू आता है। भारत में भले ही मैग्लेव ट्रेन सपना हो, लेकिन चीन में इस ट्रेन को सन 2003 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 2003 में इसकी स्पीड 400 किमी पर आवर से कम था, जिस वजह से इसे मैग्लेव ट्रेन की कैटेगरी से हटाकर बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में डाल दिया गया। 2016 में चीन ने इसी ट्रेन का एक नया प्रोटोटाइप तैयार किया और 2020 में पूरी ट्रेन को ही बनाकर तैयार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि इसकी स्पीड को भी 600 किमी पर आवर से ज्यादा कर दिया गया, जिसके बाद यह ट्रेन मैग्लेव ट्रेन की कैटेगरी में आ गई। मैग्लेव का पूरा नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो मैग्नेट से चलने वाली ट्रेन। इस हाई स्पीड ट्रेन को पटरी पर दौड़ने के लिए ना पहिए की जरूरत पड़ती है, ना एक्सल की और ना ही बेयरिंग की। विश्वास भले न हो, लेकिन डॉल्फिन जैसे दिखने वाली यह एरोडायनामिक ट्रेन 800 से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। अब भारत के लिए खुशी की बात यह है कि यह ट्रेन बहुत ही जल्द हमें अपने देश में दौड़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इसके लिए सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस रैपिड एजी के साथ समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत स्विट्जरलैंड से मैग्लेव ट्रेन के एक इंजन को भारत इंपोर्ट किया जा चुका है। अब हम आते हैं वीडियो के पहले सवाल पर कि अगर यह ट्रेन इतनी सस्ती और इतनी अच्छी है तो फिर भारत मैग्लेव से ज्यादा तवज्जो बुलेट को क्यों दे रहा है। तो इसके पीछे का कारण यह है कि बेशक यह ट्रेन सस्ती हो, लेकिन इस ट्रेन की पटरी को बनाने का कॉस्ट काफी ज्यादा है। जितने पैसे में नॉर्मल ट्रेन की 50 किलोमीटर पटरी बिछाई जा सकती है, उससे ज्यादा पैसे में मैग्लेव ट्रेन की केवल 1 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जाएगी। ट्रेन के रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस की लागत इसलिए भी कम है क्योंकि यह ट्रेन अपने पटरी से 1 फीट ऊपर हवा में चलती है, जिस वजह से अंदर बैठे पैसेंजर को वाइब्रेशन तक महसूस नहीं होता। मैग्लेव ट्रेन के एक इंजन में 10 बोगी को अटैच किया जा सकता है जो कि अपने साथ 1000 लोगों को लेकर ट्रेवल कर सकती है। यह ट्रेन किसी भी देश के लिए ठीक वैसे ही काम करती है जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम अर्निंग। एक बार भले ही इसके बुनियादी ढांचे पर काफी ज्यादा पैसा लगता हो, सब कुछ कंप्लीट हो जाने पर इससे जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा और सरकार के इनकम का भी जरिया बढ़ जाएगा। बुलेट ट्रेन के ऊपर तो काम चल ही रहा था, अब मैग्लेव ट्रेन के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है, तो इससे हम यह कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेन में भी हवाई जहाज का मजा मिलेगा।